नमस्कार, स्वागत हमारे आज के इस वीडियो में। हो चुके आप हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल दोस्तों, लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एयरटेल डीटीएच में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे कर सकते हो घर बैठे ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपके एयरटेल डीटीएच में अगर मोबाइल नंबर कोई रजिस्टर्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अब इस्तेमाल आप नहीं करते, वो नंबर बंद हो चुका है, उस पर ओटीपी नहीं आ सकता है, तो अब आप ऑनलाइन कोई भी मोबाइल नंबर नया ऐड कर सकते हैं बिना कोई ओटीपी डाले। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप नया मोबाइल नंबर एयरटेल डीटीएच से लिंक करके रजिस्टर करके दिखाने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एयरटेल डीटीएच से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने के कई सारे फायदे हैं। अगर मोबाइल नंबर एयरटेल डीटीएच से रजिस्टर्ड होता है तो एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाके आप अपने चैनल को, पूरे टीवी चैनल को मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। मतलब कभी भी किसी भी चैनल को आप रिमूव कर सकते हो, कभी भी किसी भी चैनल को आप ऐड कर सकते हो अपने टीवी पे, और अपने मन मुताबिक अपना प्लान बना सकते हो, पूरा प्लान मॉडिफाई कर सकते हो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ही एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से। अगर आपको नहीं पता कि कैसे जो है एयरटेल थैंक्स ऐप से पूरे चैनल को मैनेज किया जाता है तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उसी वीडियो पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि एयरटेल थैंक्स ऐप में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन मिलता है ऐड एग्जिस्टिंग कनेक्शन का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डीटीएच सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर आप डीटीएच आईडी सिलेक्ट करेंगे, डीटीएच आईडी मैं अपना डालता हूँ यहाँ पे, और रिक्वेस्ट ओटीपी का यहाँ ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट ओटीपी करता हूँ। तो यहाँ देखिए ऊपर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया हुआ है वो मोबाइल नंबर ऊपर दिखा रहा है। अब ये मोबाइल नंबर हमारा बंद हो चुका, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और ये इस पर ओटीपी चला जाता है, ओटीपी मुझे मिलता नहीं है, और ओटीपी मैं यहाँ पर कैसे डालूँ और फिर कनेक्शन को ऐड करूँ तो ये हो नहीं पाता है। तो अब क्या करना, अगर आपके सामने भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, पहले आपको मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, और वो भी बिना किसी ओटीपी के। तो यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना है अपडेट एयरटेल डिजिटल टीवी आरटीएन, पहली वेबसाइट आएगी भारतीय एयरटेल की, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट आ सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पेज। अब वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे झूठ बोला था सर। तो यहाँ देखिए डिजिटल जो सर्विस है, कस्टमर आईडी, इस पर अपना जो डीटीएच आईडी डाल देना, मैं पेस्ट कर दिया हूँ डीटीएच आईडी। अब यहाँ देखिए मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है ऑटोमेटिक यहाँ दिखा देता है, कुछ इस तरह से आ जाता है डीटीएच आईडी डालते ही। अब यहाँ चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर टिक करना है, यहाँ लॉगिन पर अगर टिक करेंगे तो साइन इन पर करेंगे तो ओटीपी ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, और नया न्यू मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद वही मोबाइल नंबर दोबारा कन्फर्म करेंगे, और उसके बाद में यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है नीचे चेंज नंबर का, सिंपली चेंज नंबर पर आप क्लिक कर देंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद में। अब आपको वेरीफाई करना होगा कि आप ही हैं, आप जो मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, आपके डीटीएच जो ये आईडी है ये आप ही की है या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करना है, यहाँ तीन ऑप्शन है, तीनों में से दो के आपको आंसर देने हैं सही सही। पहला ऑप्शन यहाँ मिल जाता है प्लीज़ एंटर योर पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। अब एरिया का पिन कोड तो सभी को पता होता है, अगर नहीं पता है तो गूगल पे भी सर्च कर सकता है कि हमारे एरिया का जो है, शहर का, अपने गली मोहल्ले का या फिर गांव का पिन कोड क्या है, तो वो पिन कोड यहाँ एंटर कर देना होगा। यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, अपना पिन कोड एरिया का डाल देता हूँ जहाँ हमारा डी टी एच ये लगा हुआ है उस एरिया का, तो यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ मिलता है प्लीज़ इंटर योर लास्ट रिचार्ज अमाउंट, अब लास्ट रिचार्ज अमाउंट तो लगभग लगभग सभी को पता होता है, अगर पता है तो यहाँ टिक करेंगे। तीन में से दो क्वेश्चन के सही आंसर देने होते हैं यहाँ पे बिना ओटीपी के मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे मैं टिक कर दिया हूँ दूसरे ऑप्शन पे, और मैं, मुझे पता है कि मैं रिचार्ज जो लास्ट मंथ जो लास्ट रिचार्ज है वो कितना का किया था, 240 का किया था। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन भी मिल जाता है प्लीज़ इंटर योर लास्ट रिचार्ज मंथ, अब अगर अमाउंट नहीं पता है कि कितने का लास्ट में रिचार्ज किया था तो महीना तो पता ही होगा, मंथ तो पता ही होगा कि कौन से मंथ में हमने लास्ट जो रिचार्ज किया था, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है मैं अप्रैल 2023 में किया था लास्ट रिचार्ज, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 04/2023। अब यहाँ सिंपली चेंज नंबर पर क्लिक करेंगे, अपने ये दो क्वेश्चन के आंसर देने के बाद में सही सही चेंज नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ क्लिक कर देंगे।
अब आपका नया मोबाइल नंबर बिना कोई ओटीपी डाले ही चेंज हो जाएगा। नया मोबाइल नंबर एयरटेल डीटीएस के साथ लिंक हो जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना किसी ओटीपी लिए अपने डीटीएच में एक नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप एयरटेल थैंक्स ऐप में ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आप पूरे एयरटेल डीटीएच को मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज किया जाता है, उस पर अपने प्लान को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, मन मुताबिक प्लान कैसे बना सकते हैं, जो फालतू के चैनल जिसे आप नहीं देखते उसे रिमूव करके अपना रिचार्ज का पैसा आप कैसे बचा सकते हैं, ये सब हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, उनको भी पता चल सके इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।